हेलो एवरीवन, और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक चिकन स्टार्टर की रेसिपी। वो है चिकन 65, जो कि स्पाइसी है, क्रिस्पी है, टेस्टी है और मुझे पर्सनली काफ़ी ये बहुत पसंद है। और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि इसको घर पे हम लोग आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वाद टेस्ट में आप सबका स्वागत है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। चिकन 65 बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन, और इसमें मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच नमक, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच चॉप्ड करी लीव्स यानी करी पत्ता, 2 बड़े चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, आप चाहे तो फूड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। यहाँ पे सबसे पहले चिकन में जितने भी स्पाइसेस है उसको डालेंगे, बाद में जितने कोटिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स है उसको ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 2 बड़े चम्मच ऑयल। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। ऑयल डालने से जितने भी स्पाइसेस हमने यहाँ पे डाला है वो अच्छी तरीके से चिकन में कोट हो जाएंगे। और इसके बाद इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच दही। अभी हमें कर लेना है इसे अच्छे से मिक्स और इसे मैरिनेट करके हमें रख देना है। जितना ज़्यादा देर तक हम इसे मैरिनेट करके रखेंगे टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा, क्योंकि चिकन के अंदर में जितने भी स्पाइसेस हमने डाला है वो अब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1 घंटा के लिए मिनिमम आप इसे रख सकते हैं, या तो फिर आप इमीडिएट भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रखा है, क्योंकि चिकन के अंदर स्पाइसेस जाना बहुत ज़रूरी है, तभी टेस्ट आएगा। चिकन को 1 घंटा मैरिनेट करने के बाद जितने भी कोटिंग के लिए इंग्रेडिएंट है उसको डालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चावल का आटा 3 बड़े चम्मच यानी कि राइस फ्लोर 3 टेबलस्पून, और उसके बाद इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच कॉर्न फ्लोर। अगर आपका मैरिनेशन ज़्यादा गीला हो जाए या फिर दही ज़्यादा हो जाए तो उसको आप एडजस्ट करने के लिए राइस फ्लोर एंड कॉर्न फ्लोर का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अभी हमें इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स, यानी कि सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें कोट कर लेना है चिकन में। और एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसे हमें चिकन 65 में डालना है, वो है अंडा। 1 अंडा मैंने इसमें डाला है। इसे कोटिंग बहुत अच्छा होता है, यानी कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो कोटिंग बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। कभी कभी जब हम चिकन को फ्राई करते हैं तब कोटिंग निकल जाता है और कभी कभी कोटिंग खराब हो जाता है। अगर अंडा डालेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। अभी अंडे को भी हमें कर लेना है अच्छे से मिक्स। आप चाहे तो इसमें खाली एक व्हाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसमें भी कोटिंग बहुत अच्छा होता है। अब ये बिल्कुल रेडी है, अभी इसको हम लोग फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे ऑयल और इसको अच्छे तरीके से हम लोग गर्म कर लेंगे। हाई फ्लेम में रखेंगे इसको और तेल को अच्छे से कर लेंगे गर्म। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, यानी कि फ्लेम को मीडियम में रखेंगे। उसके बाद चिकन को फ्राई करना शुरू करेंगे। अगर तेल अच्छे से गर्म नहीं रहेगा तो फिर हम लोग का फ्राई अच्छे से नहीं होगा, चिकन क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे तेल हम लोग का गर्म हो चुका है और मैंने फ्लेम को मीडियम में रखा है। और अभी जितने भी चिकन पीसेस है उसको मैं इसमें डाल रही हूँ। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें बेचेस में हमें चिकन को फ्राई करना है, ओवर क्राउड नहीं करना है। जितना स्पेस है कढ़ाई में उतना ही चिकन हमें डालना है। अभी हमें मीडियम फ्लेम में चिकन को एक साइड से 2 से 3 मिनट तक पका लेना है और उसके बाद इसे पलट लेना है। और दूसरे साइड से भी हमें 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, यानी कि जब तक ये गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। हमें ध्यान रखना है कि बार बार हमें इसे चलाना नहीं है। एक बार कोटिंग सेट हो जाए दोनों तरफ से उसके बाद हम लोग इसे चला सकते हैं, अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। अभी मैं पलट रही हूँ, दूसरे साइड से भी हम इसे पका लेंगे ताकि कोटिंग जो है वो सेट हो जाए। ये रेसिपी बहुत इजी है एंड क्विक भी है। अगर आप एक दिन पहले इसको मैरिनेट करके रख देंगे, जब आपको फ्राई करना हो या फिर दूसरे दिन अगर आपको फ्राई करना हो तो उसमें राइस फ्लोर, कॉर्न फ्लोर एंड अंडा डाल के आप इमीडिएट इसको फ्राई कर सकते हैं। अब देख सकते हैं चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्पी हो चुका है। तो अभी इसको हम लोग तेल से निकाल लेंगे। अभी जितने बाकी के चिकन पीसेस है उसको भी फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 2-3 बैचेस में इसको फ्राई किया है, यानी कि जितने कढ़ाई में मेरा स्पेस है उतना ही मैं एक ही बार में फ्राई किया है। यहाँ पे चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्पी है। अभी इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी के जितने भी चिकन पीसेस है उसको फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको हल्का फ्राई करके फ्रिज में रख सकते हैं, जब आप इसे खाना चाहे तब इसको डबल फ्राई करके गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। मैंने सारे चिकन पीसेस को फ्राई कर लिया है और यह है मेरा लास्ट बैच। और अभी इसको तेल से निकाल लेते हैं और प्लेट में सर्व कर लेते हैं। इसको सर्व करने से पहले हमें और एक चीज़ करना है, वो है इसको तड़का लगाना है। मैं यहाँ पे करी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का लगाऊंगी, इससे चिकन 65 का टेस्ट और बढ़ जाएगा। बहुत सारे रेसिपीज में चिकन 65 को सॉस के साथ तड़का लगाया जाता है, सॉस के साथ उसको टॉस किया जाता है, लेकिन जो क्लासिक चिकन 65 होता है उसमें ड्राई तड़का लगता है, यानी कि ड्राई इंग्रेडिएंट से उसको टॉस किया जाता है। इस रेसिपी में मैं चिकन को ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ तड़का लगाऊंगी, यानी कि ड्राई टोस्ट करूंगी। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़े चम्मच तेल। मैंने उसी तेल को इस्तेमाल किया है जिससे मैंने चिकन को फ्राई किया था। और उसके बाद तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे चॉप्ड गार्लिक, कटे हुए लहसुन 2 बड़े चम्मच। और इसके बाद इसमें डालेंगे 5 से 6 कटे हुए हरी मिर्च। आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो इसका क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे 15 से 20 करी पत्ते और अभी इसको 1 से 2 मिनट तक हमें फ्राई कर लेना है, यानी कि जल्दी से हमें हाई फ्लेम में इसको चलाना है और चिकन को इसमें ऐड कर लेना है और टॉस करके इसको सर्व कर लेना है। तो ये तड़का हम लोग का तैयार है और अभी इसमें हम लोग डालेंगे फ्राइड चिकन और इसमें जो करी पत्ता है वो टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये है हम लोग का फ्राइड चिकन, मैं इसमें डाल दूंगी और इसको हल्के से टॉस करके, हल्के से इसको मिक्स करके इसको मैं सर्व करूंगी। चिकन 65 ड्राई भी होते हैं और ग्रेवी वाले चिकन 65 भी होते हैं। मैं आप लोग के साथ चिकन 65 ग्रेवी वाले रेसिपी भी किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। तो तैयार हो चुका है चिकन 65 क्रिस्पी एंड टेस्टी एंड बहुत ही क्विक एंड ईजी रेसिपी है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम टेंडर है। आप आसानी से इसको घर पे बना सकते हैं। इसको एक प्लेट में हम लोग सर्व कर लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया है तो घर पर आप इसे ज़रूर ट्राई करें। शेयर दिस रेसिपी विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि जब भी मेरे वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ।